विगत 88 दिनों से HEC अधिकारी और कर्मियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर HEC मुख्यालय गेट के पास लगातार शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन प्रदर्शन जारी है। आज CISF के द्वारा मैन हैंडलिंग कर इन्हें जबरन हटाने की कोशिश की गई और साथ ही मुख्यालय गेट के समीप लगाए गए प्रदर्शनकारियों के बैनर को भी हटा दिया गया, जिस कारण से प्रदर्शनकारियों के आत्मसम्मान में ठेस पहुंची। प्रदर्शनकारी HEC कर्मी ने बताया कि विगत 88 दिनों से हम सब संवैधानिक दायरे में प्रदर्शन करते आ रहे हैं, पर आज जो कार्य हम लोग के साथ जबरन किया गया है वह काफी निंदनीय है। हम लोग 88 दिनों से सर इस आंदोलन को कर रहे हैं सर, बहुत बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन है सर, किसी तरह का उग्र आंदोलन नहीं रहा सर, लेकिन आज की घटना बहुत ही दुखद घटना है सर। हम लोग का बैनर जो मेक इन इंडिया का एक सिंबल को भी शो करता है, जिसको हमारे खुद के प्रधानमंत्री भी मेक इन इंडिया के प्रपोजल को लेके चल रहे हैं, उस बैनर को इतना बेइज्जती के साथ उखाड़ के फेंकना ये इंडिकेशन है, ये हमारा अपमान नहीं है, ये देश का अपमान है, ये मेक इन इंडिया का अपमान है। तो इस तरह का बर्ताव आपको नहीं होना चाहिए था, और जिन्होंने किया, जिनके थ्रू हुआ, जिनके कहने पे हुआ, ये बहुत ही आपका दुखनीय और अमानवीय घटना है। क्योंकि हमारा दो ही डिमांड है सर, 15 महीने की सैलरी और मेरा कंपनी का रोड मैप। तो क्या ये मेरा हक नहीं है सर? हमारे 15 दिनों से हमारी सैलरी नहीं मिली, क्या ये मेरा राइट नहीं है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है सर कि हम अगर किसी भी अपने मांगों को लेकर शांतिपूर्ण अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर उसको कोई तोड़ता है तो वो उसका गुनाहगार है सर। तो हमारा दो ही डिमांड है सर कि हमारा 15 महीने का सैलरी दिया जाए और कंपनी का क्या रोड मैप है उसको क्लियर किया जाए। थैंक यू सर। नाम बताओ। MD तनवीर, HMBP। तो सर, जैसे आज सुबह की घटना है, आपको अभी सर लोगों ने बताया कि 88 दिनों से हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से, हर तरीके से जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, हम उसके दायरे में रहकर अपने हक और अधिकार की मांग कर रहे हैं। पहला चीज़ है कि हम क्या मांग कर रहे हैं, हमारा वेतन, हमने जो कार्य किया हुआ है यहाँ पर, हम उसकी मांग कर रहे हैं, वो हमारा अधिकार है, वो हमारा हक है, लेकिन आप वो नहीं दे पा रहे हैं। आज उसको 15 महीना हो गया है, 15 महीनों से हमारा वेतन लंबित है अधिकारियों का, और कर्मचारियों का 12 महीने से, आप वो दे नहीं पा रहे हैं। तो अब आप जो ये प्रदर्शन हो रहा है उसमें आपके पास कुछ करने के लिए है नहीं, ना अभी तक आप लोग वार्तालाप किए, कभी भी उनकी तरफ से इनिशिएट नहीं किया गया कि आप लोग आइए, टेबल पर बैठिए, बात करिए, क्या समस्याएं हैं, उनको नहीं, हम लोग को कभी भी बुलाया नहीं गया। जब भी प्रयास हुआ हम लोग अपनी तरफ से हमेशा किए हैं कि सर एक बार बात तो किया जाए, आप सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, आगे आपका क्या प्रोसेस है आप ये तो बताइएगा, तो वो कर नहीं पा रहे हैं। तो अब वो इसको हटाने के लिए क्या किया जाए, तो इन्होंने आज जो सुबह किया घटना जो है ये बहुत ही निंदनीय है, एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारा जो बैनर है, हम लोग का जो सामान है, मैन हैंडलिंग किया गया, इवन कुछ आदमियों को जबरदस्ती इधर से उधर पुश कर रहे हैं, अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे यहाँ पे दादागिरी चल रही है क्या? यहाँ पे कोई उग्र हो रहा है क्या? तो आप ये सब चीजें एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है। आप पैरों से मार रहे हैं, बैनर को हटा रहे हैं। 88 दिनों से हम लोग, नाम बता दीजिए, नाम चले, वो मेरा नाम सर सुभाष चंद्र हुआ। हमारे देखिए, हम लोग यहाँ पे पिछले 90 दिनों से हम लोग बैठ रहे हैं, सैलरी और कंपनी को बचाने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन आज अचानक से ऐसा हुआ। कल हम लोगों ने गेट भी खोल दिए थे, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर झंडा खोलने के लिए हम लोगों ने गेट बंद भी नहीं किया था, इन लोगों ने गया। आज क्या हुआ, अचानक से पूरे CISF के कैंप उठा करके ला करके आए और हम लोगों पर हाथापाई करने का कोशिश किया गया है, जिससे हम लोगों को मतलब स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचा है। इसे हमारे मैनेजमेंट के द्वारा, हमारे प्रबंधन के द्वारा CISF बुला करके हमारे स्वाभिमान पर ठेस पहुंचा गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।